फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6। 3.6 में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जैसे इसका क्या नाम है, इक्वेशन रिड्यूस इक्वल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज कौन से टॉपिक पे पढ़ेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है क्या कि आपको दो इक्वेशन दिया गया रहेगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को किस किस मेथड से सॉल्व करते थे। पहला मेरा ग्राफी विधि, दूसरा मेरा क्या प्रतिस्थापन विधि, थर्ड मेरा क्या विलोपन विधि, लास्ट में क्या व्रजगण विधि। यानी कि इन चारों मेथड की सहायता से सबसे पहले क्या करेंगे, या इस एक्सरसाइज में हम लोग यह डिस्कशन करेंगे कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यदि वो रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, इसको हम किसी भी मेथड की सहायता से उसको हल करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ध्यान से देखें तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू, क्या ये मेरा रैखिक समीकरण है? नहीं, क्योंकि रैखिक समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो। यानी कि रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो। यहाँ पे क्या 1/2x है, यहाँ पे क्या 1/3y इक्वल टू। यानी कि x और y क्या अपॉन में, बटे में, इसलिए मेरा क्या रैखिक समीकरण नहीं है, इक्वेशन है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब इन लीनियर इक्वेशन को रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, इस विधि को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ऊपर की कोई विधि, ग्राफिकल मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या व्रजगण विधि, किसी एक मेथड की सहायता से हम क्या कर लेंगे, इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा, पहले क्या करेंगे आप देखिए, जो पहला इक्वेशन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू लिखा गया है। इसको अलग अलग करेंगे तो 1/2 और 1/x, ठीक, ये हो जाएगा प्लस 1/3 और 1/y इक्वल टू। यानी कि इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू हो गया। इसी तरीके से इसको भी अलग कर लेते हैं, ये मेरा क्या 1/3x प्लस 1/2y प्लस 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6 है। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि 1/3 1/x इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस 1/2 1/y इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं इक्वल 13/6। यानी क्या कर लिया, कोफिशिएंट को अलग अलग कर लिया। अगर हम इन इक्वेशन का कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c इक्वल जीरो से,
जो x कोफिशिएंट a, यानी इसको तो हम a सपोज कर सकते हैं, लेकिन ये x नहीं है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, क्या करते हैं इनको एक सपोज को कोई एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं, कोई एक अलग वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। जैसे मानेंगे ले, मान लेते हैं जो 1 अपॉन x है उसको क्या सपोज कर लेते हैं, u सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, u। क्या सपोज कर लिया, u। और जहां 1 अपॉन y है उसको क्या सपोज कर लेंगे, v सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे, v सपोज कर लिया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जहां आपको 1 अपॉन x दिखेगा वहां पे क्या पुट कर दीजिए, y, u पुट कर दीजिए। जहां पे 1 अपॉन y दिखेगा वहां क्या पुट कर दीजिए, v पुट कर दीजिए। यानी ये आप मान लीजिए, जब मानेंगे तुमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 1 अपॉन x की प्लेस पे u मिलेगा, प्लस 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन u y की प्लेस पे क्या मिलेगा, v मिलेगा, इक्वल 2। यानी कि अब ये मेरा जो इक्वेशन है ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन 2u प्लस 1 अपॉन 3b इक्वल 2, ये मेरा किस फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए इन इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 का 6 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, यानी ये मेरा क्या आएगा, 3u प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई b में करेंगे, 2b इक्वल 2। यानी इसको अब इसको ऊपर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यही पे देखते हैं, इस 6 को 2 के पास भेजेंगे तो 3u प्लस 2b इक्वल टू 6 इनटू 2 हो जाएगा, तो 3u प्लस 2b इक्वल क्या जाएगा, 6 2 जा 12। इसे क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 हम लोग सब पुश कर दिए, इसको इक्वेशन 2, अब इसको क्या कर लेंगे, इसे इक्वेशन 3 सपोज कर लेंगे। देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो इक्वेशन 1 था इसको मैंने जो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2x लिखा था इसको मैंने कर लिया 1 अपॉन 2 * 1 अपॉन x कर लिया, 1 अपॉन 3y लिखा था इसको मैंने 1 अपॉन 3 * 1 अपॉन y कर लिया इक्वल टू। अब मैंने क्या कर लिया, जो 1 अपॉन x है उसको मैं कोई एक और नया वेरिएबल सपोज कर लिया है। जैसे मैंने 1 अपॉन x को u सपोज कर लिया, 1 अपॉन y को अपने v सपोज कर लिया। आप कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर सकते हैं, तो 1 अपॉन x के प्लेस पे u पुट कर दिया, 1 अपॉन y के प्लेस पे v पुट कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम निकाला तो क्या आया, 6 आया, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3u हो जाएगा। अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई v में करेंगे 2b हो जाएगा। अब 3u + 2b, इस 6 को इस 2 के पास भेज देंगे तो 6 2 जा 12, यानी 3u प्लस 2b इक्वल 12। हमको एक इक्वेशन क्या प्राप्त हो गया, थर्ड प्राप्त हो गया। वही प्रोसेस यहां पे भी करेंगे, तो 1 अपॉन 3 1 अपॉन x के प्लेस पे क्या पुट करना, u, तो u पुट कर लिया, प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन y के प्लेस पे v, तो v पुट कर लिया, इक्वल मिला क्या 13 अपॉन 6 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 2 जा 6, 3 से 2 को डिवाइड, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 में, यानी क्या जाएगा 2u प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3b इक्वल 30 अपॉन 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 6 इस 6 से क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या आएगा 2u प्लस 3b इक्वल 30। इसी इक्वेशन क्या सपोज कर लिया, 4 सपोज कर लिया। अब हमको इक्वेशन क्या प्राप्त हो गया, हमको इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th दोनों मेरा किस फॉर्मेट में है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को आप किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या ग्राफिकल मेथड से कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, या विलोपन विधि से कीजिए, आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे आप उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इनको क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं, यानी कि किसी एक कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और समीकरण 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहां पे लिख देंगे क्या, समीकरण 3rd में 3 2 से ना, समीकरण 3rd में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तथा समीकरण 3rd में 2 से तथा समीकरण 4 में किसे मल्टीप्लाई करें, 3 से गुणा
करने पर फिर से गुणा करेंगे। देखिए इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6 यू प्लस 2 2 जा 4 भी इक्वल 12 2 जा 24। इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 यू प्लस 3 3 जा 9 भी इक्वल 13 3 जा 39। यानी कि अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये मेरा क्या कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4b को माइनस करेंगे माइनस 5b हो जाएगा इक्वल 39 में से 24 को माइनस करेंगे 39 में से 24 को 9 में से 4 जाएगा 5 है 1 यानी कितना है माइनस 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल क्या 15 अपॉन 5 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हमको क्या मिल गया, हमको b की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब इसी b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके क्या कर लेंगे हम, u की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते सब कुछ कर लिए, इक्वेशन 3 में पुट करने पर क्या लिखेंगे, v का मान समीकरण 3rd में रखने पर, समीकरण 3rd में रखेंगे v का मान क्या जाएगा 3u plus 2v के प्लेस पे 3 equal 12 हो जाएगा। 3u plus 2c जा 2 3 जा 6 equal 12 हो जाएगा। 3u equal 12 minus 6 हो जाएगा, u equal 6 upon 3 3 बन जाए 3 3 2 जा 6, u की वैल्यू कितनी जाएगी 2 हो जाएगी। यानी कि मैंने v की वैल्यू क्या फाइंड कर ली 3 फाइंड कर लिया और u की वैल्यू क्या फाइंड कर ली 2 फाइंड कर ली। अब इसके बाद लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि जो मेरा इक्वेशन है मेरा किस फॉर्मेट में, x और y के फॉर्मेट में। अभी मैंने क्या मान फाइंड किया, v और u का मान ज्ञात किया। तो क्या करेंगे, मैंने क्या सपोज किया हुआ है ध्यान से देखिए, मैंने सपोज किया हुआ 1 upon x equal u सपोज किया हुआ। क्या सपोज किया हुआ यहां पे देखिए, मैंने सपोज किया हुआ है 1 upon x equal u सपोज किया है तो 1 upon x equal u की वैल्यू कितनी 2 कर लेंगे। अब इस 2 को नीचे ला देंगे x ऊपर भेज देंगे तो 1 upon 2 equal x यानी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 1 upon 2 मिल जाएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। मैंने क्या सपोज किया है 1 upon y equal v सपोज किया है तो 1 upon y और v के प्लेस में v की वैल्यू क्या है 3 3 पुट कर लेंगे तो अब इस 3 को नीचे ला देंगे इस y को ऊपर भेज देंगे तो 1 upon 3 equal y यानी y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 1 upon 3। मैंने हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू क्या आ गया 1 upon 2 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गया 1 upon 3। कैसे आया, मैंने u और v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो मैंने क्या सपोज किया 1 upon x equal u तो 1 upon x और u, u के प्लेस पे u की वैल्यू पुट कर दिया 2 हो गया। इस 2 को x के प्लेस पे, x को 2 के प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 upon 2 आ गई। फिर मैंने 1 upon y का v सपोज किया था, v की वैल्यू क्या है 3 तो इस 3 पुट करें, इस 3 को y के प्लेस पे, y को 3 के प्लेस पे यानी y की वैल्यू क्या है 1 upon 3 आ गई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा क्या लिया गया 2 upon under root x plus 3 upon under root y equal 2। एक इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन मेरा क्या है 4 upon under root x minus 9 upon under root y equal minus 1। यानी कि ये इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल मेथड। यानी कि सबसे पहले मैं ax plus by plus c equal 0 यानी इन दोनों इक्वेशन को हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2, इसको क्या लिखेंगे 1 upon under root x, इसको अलग कर लिया प्लस 3 1 upon under root y equal 2। ये मेरा क्या फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या सब इसे इसको भी कर लेते हैं 4 upon under root x minus 9 upon 1 upon under root y equal minus 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सपोज करेंगे लेट 1 upon
अंडर रूट x की वैल्यू क्या सपोज कर लेंगे, u सपोज कर लेंगे, और 1 अपॉन अंडर रूट y की वैल्यू क्या सपोज कर लेंगे, v सपोज कर लेंगे। ये क्या ये वैल्यू हम मान लेंगे। अब इन्हीं इन वैल्यू के प्लेस पे u और v वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए तो 2 अंडर रूट में क्या 1 अपॉन अंडर रूट x है, इसके प्लेस पे क्या पुट करना है 2, तो 2u जाएगा प्लस 3 1 अपॉन अंडर रूट y के प्लेस पे क्या पुट करना है v इक्वल 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिएगा, इसे इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिएगा। फिर अब क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर लाएंगे तो क्या जाएगा 2u प्लस 3v, रहने देते हैं इसको, इसे क्या कर लेंगे, इसे इक्वेशन 3rd सपोज कर लेंगे। इसी तरीके इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 4 1 अपॉन अंडर रूट x के प्लेस पे क्या पुट करना है u, तो 4u माइनस 9 1 अपॉन अंडर रूट y के प्लेस पे v पुट करना है, तो v इक्वल माइनस 1, इसे इक्वेशन क्या सपोज कर लेंगे 4 सपोज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए किसी u के कोफिशिएंट ये या v के कोफिशिएंट को सेम करना है, हम सपोज कर लेते हैं किसमें, इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9b इक्वल 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस इक्वेशन को लिखते हैं 4u क्या जाएगा माइनस 9b इक्वल माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कर लेते हैं हम माइनस करते हैं। ठीक है, 6 इस इक्वेशन में से क्या करते हैं हम, क्या करते हैं ऐड करते हैं इस एक समीकरण, ये समीकरण जो गुणा करने पे क्या आया था 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9b इक्वल क्या जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो कैसे लिखेंगे 6u प्लस 4u प्लस 9b माइनस 9b इक्वल 6 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10u, देखिए ये प्लस 9b माइनस 9b कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो u इक्वल 5 अपॉन 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी u की वैल्यू कितनी जाएगी 1 अपॉन 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसी u की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे u का मान समीकरण 3rd में रखने पर, समीकरण 3rd में रखेंगे, समीकरण 3rd में क्या है 6u के प्लेस पे 1 अपॉन 2 प्लस 9b इक्वल 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी 3 प्लस 9b इक्वल 6, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 9b इक्वल 6 माइनस 3 9b इक्वल 3 b इक्वल 3 अपॉन 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9 b इक्वल क्या जाएगा 1 अपॉन 3, यानी u की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 2 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 3 हो जाएगी। अब इन्हीं u और v की वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, एक बार इसमें पुट करेंगे, एक बार इसमें हमको x और y की वैल्यू पुट हो जाए मिल जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं बारी बारी से पुट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, देखिए मैंने क्या सपोज किया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट x सपोज किया हुआ है इक्वल, और u की वैल्यू कितनी है ये 1 अपॉन 2, तो u के प्लेस पर u लिख लेते हैं, फिर 1 अपॉन अंडर रूट x इक्वल u के प्लेस पर 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इस अंडर रूट x का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2 इक्वल अंडर रूट x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या मिलेगा अंडर रूट x मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे यहां क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर इक्वल अंडर x का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये अंडर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 2 2 जा 4
यानी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 4 मिल जाएगी। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब मैंने क्या सपोज किया हुआ है 1 अपॉन अंडर y इक्वल v सपोज किया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे 1 अपॉन अंडर y इक्वल v की वैल्यू कितनी है ये 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 सपोज कर लेंगे। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, इस अंडर रूट y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा 3 इक्वल अंडर रूट y। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, सेम वही प्रोसेस वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, यहां पे लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो कर वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये अंडर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इक्वल वाई, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 9। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, दो इक्वेशन दिया गया था, दो इक्वेशन सबसे पहले क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को यू सपोज कर लिया, 1 अपॉन वाई को 1 अपॉन अंडर रूट वाई को बी सपोज कर लिया। तो अब इस 2 यू हो जाएगा प्लस 3 बी इक्वल 2, ये इक्वेशन वाज फर्स्ट था, इसे इक्वेशन क्या सपोज कर लिया थर्ड सपोज कर लिया। इसी तरीके से 4 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लेस पे यू माइनस 9 1 अपॉन अंडर रूट वाई के प्लेस पे बी इक्वल माइनस में से इक्वेशन 4 सपोज कर लिया। अब क्या किया मैंने इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 यू, 3 3 जा 9 बी इक्वल 3 2 जा 6। अब ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है इस इक्वेशन में इस इक्वेशन क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, 6 यू में 4 यू को जोड़ा 10 यू हो जाएगा, ये प्लस 9 बी और ये माइनस 9 बी आपस में कैंसिल हो जाएगा 6 माइनस 1, क्योंकि 6 में ऐड करना था कि माइनस सिंबल तो माइनस 1 हो जाएगा, 6 में 4 यू जोड़ा 10 यू ये बी वाला टर्म कैंसिल, 6 में से 1 माइनस करेंगे क्या देगा 5 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे इस 10 को 5 का अपॉन डिनोमिनेटर में लेते आएंगे, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, हमको u की वैल्यू क्या मिल गई 1 अपॉन 2 मिल गई। अब इसी u का मान समीकरण थर्ड में रख लेते हैं, समीकरण थर्ड में क्या है 2u यानी ये इसमें रख लेते हैं 6u प्लस 9b इक्वल 6 था, तो देखिए 6 इस u के प्लेस पे क्या पुट करें 1 अपॉन 2 प्लस 9b इक्वल 6, तो क्या है 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहां क्या मिलेगा 3 प्लस 9 भी इक्वल 6 मिल जाएगा, इस 3 को उसा लेंगे 6 माइनस 3 हो जाएगा, 9 भी इक्वल 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 मिलेगा। अब ये 9 3 के डिनोमिनेटर टर्म में आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 अपॉन 3 की मिल जाएगी। जब हमको u और v की वैल्यू फाइंड हो गया तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी x और y की, लेकिन मैंने 1 अपॉन अंडर x को कैसे पुट किया u से पुट किया होगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट x इक्वल u हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में इस अंडर रूट x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2 इस अंडर रूट x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो अंडर रूट x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करने पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पे तो क्या 2 का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे, तो ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या 2 2 जा 4 इक्वल x, ये x की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गए। उसी तरीके से अब क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड करनी, तो 1 अपॉन अंडर y इक्वल b हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस b के प्लेस पे 1 अपॉन 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में और इस अंडर रूट y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 3 1 जा 3 इक्वल अंडर रूट y, फिर क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट y का स्क्वायर, ये स्क्वायर है अंडर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 इक्वल y, यानी y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 9 मिल जाएगी। यानी इस मेथड को क्या करते हैं हम रिड्यूसिबल मेथड, यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया गया रहेगा, यानी कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको रिड्यूस करके वहां से हम किसी एक मेथड की सहायता से ग्राफिकल मेथड, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या ब्रजगुण विधि, किसी एक मेथड की सहायता से हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।